गाय को माता से आंटी बनाने के पीछे क्या है बीजेपी का तर्क? आखिर बंगाल में बीजेपी के लिए गाय क्यों बन गई आंटी? चुनावों की आहट सुनाई देते ही बीजेपी वोटरों को लुभाने के लिए लगातार नए नए मुद्दे उछालती रहती है। कभी राम मंदिर, कभी काला धन, तो कभी गाय को हथियार बनाती है। आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा बीजेपी ने अभी से ही अपनी सियासी बिसात बिछाने शुरू कर दी है। लेकिन इस सियासी बिसात में उसने पहला मोहरा गाय को ही बनाया है। दरअसल पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रमुख और लोकसभा सांसद दिलीप घोष ने गायों का जिक्र कर एक अजीबोगरीब बयान दिया है। वर्तमान में एक कार्यक्रम के दौरान दिलीप घोष ने कहा कि भारतीय नस्ल की गायों में एक खासियत होती है, इनके दूध में गोल्ड मिला होता है और इसी वजह से उनका दूध हल्का पीला होता है। एक नाड़ी होती है जो सूर्य की रोशनी की मदद से सोने का उत्पादन करने में सहायक होती है, इसलिए हमें ऐसी देसी गाय पालनी चाहिए। अगर हम देसी गाय का दूध पिएंगे तो स्वस्थ रहेंगे और बीमारियों से भी बचाव होगा। घोष यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि विदेश से जिन नस्लों की गाय हम लाते हैं वो गाय नहीं है, वो एक तरह के जानवर है। वो विदेशी नस्लें गायों की तरह आवाजें नहीं निकालती हैं। वो हमारी गौ माता नहीं बल्कि हमारी आंटी है। अगर हम ऐसी आंटियों की पूजा करेंगे तो देश के लिए अच्छा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जो लोग अंग्रेजी में शिक्षित हैं वो सब कुछ अंग्रेजी में पसंद करते हैं, उन्हें अंग्रेजी पत्नियां भी पसंद है। बहुत सारे नेताओं ने ऐसी शादी की है, ये समस्या की जड़ में है। लोग विदेशी गाय नहीं बहुत सारी विदेशी पत्नियां ला रहे हैं, वो यहाँ आ रही हैं और हमारे नेताओं पर दुर्भावनापूर्ण प्रभाव डाल रही हैं। बीजेपी नेता ने कहा कि गाय हमारी माता है और हम गाय के दूध का सेवन करके जीवित रहते हैं। अगर किसी ने मेरी माँ के साथ दुर्व्यवहार किया तो मैं उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार करूँगा जैसा किया जाना चाहिए। इस दौरान दिलीप घोष ने बुद्धिजीवियों से कथित तौर पर कहा कि शिक्षित समाज के कुछ लोग सड़क किनारे गौ मांस खाते हैं। मैं उनसे कुत्ते का मांस खाने के लिए कहना चाहूँगा, ये स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। अब बीजेपी नेता के गाय ज्ञान और तर्क पर किसी को हंसी नहीं आएगी तो क्या आएगी? इंडिया न्यूज़ वेब रिपोर्ट।